लेट ए दे रखा कहाँ से, ए सेट दे रखा हमें वन से इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू वन से बढ़ी। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन ए टू ए इफ एफ एक्स इज गिवन बाय दिस। देखो इसमें ना एक काम कर लेते हैं, पहले एफ एक्स की वैल्यू कुछ पुट कर लेते, ग्रेटर देन वन का है एफ टू रख देते। एफ टू कितना है, टू की पावर टू और टू माइनस वन यानी कि फोर आ गया ना। इसका मतलब अगर एफ टू फोर आ रहा है तो इसका मतलब एफ इनवर्स फोर कितना आना चाहिए, टू आना चाहिए। अगर ये इनवर्स है तो फोर पुट करने पे टू आना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, फोर रखो, फोर और फोर माइनस वन थ्री, तो आएगा नहीं, कैंसिल हो गया। इसमें रखते हैं वन बाई टू, वन प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर लॉग टू बेस फोर, तो फोर रखेंगे ना, ठीक है। अब ये टू का स्क्वायर हो गया, वन बाई टू वन प्लस रूट वन प्लस लॉग टू बेस टू कितना हो जाएगा वन, फोर इंटू टू कितना हो जाएगा एट, एट प्लस वन कितना हो गया नाइन, है ना। नाइन का स्क्वायर रूट कितना हो गया थ्री, थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर, फोर अपॉन टू कितना आ रहा है टू आ रहा है, ठीक है। और टू ही हमें चाहिए था, ये होगा, इससे नहीं आएगा, ठीक है। और ये तो नहीं, नेक्स्ट आ जाते हैं। इफ द फंक्शन एफ आर टू आर बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, देन एफ इनवर्स एक्स है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, उसका तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो ऐसा फंक्शन बनता है। अभी जब वन वन ही नहीं, वन वन ऑन टू फंक्शन ही नहीं है तो इन्वर्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, इसका फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड नहीं है।